रिलायंस फाउंडेशन ने भारतीय ओलंपिक संघ के नाल साझेदारी विच पैरिस ओलंपिक खेडा लई देश दा पहला कंट्री हाउस यानी कि इंडिया हाउस बनाया। इंडिया हाउस पैरिस दे वकारी पार्क डे ला विलेट दे विच बनाया गया। इंडिया हाउस तो इलावा इस पार्क दे विच नीदरलैंड, कैनेडा, ब्राजील अते मेजबान फ्रांस समेत 14 देशां दे कंट्री हाउस होणगे। इंडिया हाउस दे दरवाजे दुनिया भर दे एथलीटां, पतवंतियां अते खेड प्रेमियां लई खुले रहणगे। इत्थे दुनिया नूं भारत दी प्रतिभा, समर्था अते अभिलाषा दी झलक मिलेगी। संस्कृति तो लैके कला अते खेडा तक योगा, दस्तकारी, संगीत अते रवायती भारती पकवान इंडिया हाउस विच परोसे जाणगे। आईओसी मैंबर अते रिलायंस फाउंडेशन दी संस्थापक अते चेयरमैन श्रीमती नीता अंबानी ने इंडिया हाउस ते कहा कि मैं पैरिस ओलंपिक खेडा विच पहली वार इंडिया हाउस दी घोषणा करन लई बहुत खुश अते उत्साहित हाँ। असी अपने एथलीटां दी मेजबानी कर रहे हां, असी अपनियां जित्तां दा जशन मनावांगे, अपनियां कहानियां सांझियां करांगे अते दुनिया नूं भारतीयां दे रंगां नाल रंगांगे। प्रोग्राम्स लॉन्च किए रिलायंस फाउंडेशन और उसमें से एक है ओलंपिक्स प्रोग्राम। हमारा रिलायंस फाउंडेशन ओलंपिक्स प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने इंडिया के बहुत सारे कोनों से एथलीट्स लाइक पार्शली सारे कोनों से एथलीट्स स्पॉन्सर कर रखे हैं और उनकी हम ट्रेनिंग स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट जो होता है, जो फिजियोथेरेपी होते हैं, SNC होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इनको एक फाइनेंशियल एड हो गया, उनकी कोचेज को एड होगी, कुछ अकेडमीज को हम डायरेक्टली स्पॉन्सर करते हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे स्पोर्ट के एथलीट्स और मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग ओलंपिक स्पोर्ट्स पर फिलहाल फोकस करें, लेकिन बहुत सारे वास्ट एरिया में एंटर करने का प्लान है रिलायंस का भी फिलहाल। तो फिलहाल हमारे मैक्सिमम एथलीट्स रेसलिंग में, शूटिंग में, आर्चरी में, बैडमिंटन में, ये बेसिक स्पोर्ट्स है। रिलायंस है फुटबॉल का एक बहुत अलग प्रोग्राम है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओलंपिक स्पोर्ट्स और वी हैव गॉट फ्यू ओलंपियंस। बॉक्सिंग में हो गया हमारे एथलीट्स, हमारे इक्वेस्ट्रियन में है, रोइंग में है और वाटर स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे एथलीट्स हैं हमारे फिलहाल। तो हरियाणा में कैसा एटमॉस्फेयर मिला स्पोर्ट्स का आपको? काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक एथलीट्स है यहाँ के, बहुत अलग ग्रिट है यहाँ के एथलीट्स में जो मेरे लिए न्यू था बिकॉज हमारे यहाँ पे वेरी वेरी नॉर्मल डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट प्ले किए जाते हैं। यहाँ पे तो यू कैन फाइंड एवरी सिंगल स्पोर्ट, तो काफ़ी अलग लेवल का कॉन्फिडेंस इन बच्चों में जो जिद होती है ना, बहुत अलग है। अलग ट्रेनिंग स्केड्यूल है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स वेयर आई हैव वर्क प्रीवियसली। रिलायंस बहुत ज़्यादा। तो रेसलिंग में सर मोस्ट प्रॉब्ली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है ये, तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में बहुत सारी इंजुरीज बहुत कॉमन है, नीज हो गए, एंकल्स हो गए और यू कैन नॉट गारंटी कि बाउट्स में हो रही है, ऐसे नहीं, प्रैक्टिस करते हुए भी हो जाती है, ओवर ट्रेनिंग की वजह से होती है, कभी कभी एग्जॉशन से हो जाती है, कभी कभी हमारा इंजर्ड लेग को भी हम लोग जानबूझ के ट्रेन करते हैं विदाउट रेस्ट, इसकी वजह से हो जाती है। तो वी ट्राई टू मेक श्योर कि हम लोग रिकवरी पे, इनके वार्म अप्स पे, कूल डाउन्स पे, इनके रेस्ट पे, रिकवरी पे बहुत फोकस करें ताकि इनका रिलैक्सेशन अच्छा हो जाए तो ये हमेशा ऑप्टिमम लेवल पे ही परफॉर्म कर पाए। कुछ क्राइटेरिया आप लोगों का किस बात सर? ऐसे जनरल क्राइटेरिया में हमारे बहुत सारे डेवलपमेंटल स्कीम के प्रोग्राम्स भी है, हमारे सीनियर एथलीट्स के लिए भी प्रोग्राम है, तो वी सी देयर परफॉर्मेंस ओवर द ईयर सब डिफरेंट वेज में। ऐसा कुछ नहीं है कि यू शुड हैव अ मेडल, आपके पास मेडल होगा तो ही हम लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इफ द कोचेस फील, वी डायरेक्टली अप्रोच कोचेस और सारे ग्रास रूट लेवल के जो एथलीट्स हैं ना, उनको हम अप्रोच करने का कोशिश करते हैं ताकि वेन दे ग्रो बेटर वी आर प्लानिंग टू फोकस ऑन द ग्रास रूट, मतलब जो बेसिक लेवल पे हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो आगे जाके हम बहुत अच्छा कर पाएंगे एथलीट्स के साथ में। हम लोग ऐसा नहीं है कि जो एलीट है, ऑलरेडी डेवलप्ड है, एस्टैब्लिश है, उनको ही फोर्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वी आर फोकसिंग ऑन बेसिक एथलीट्स, लो लेवल एथलीट्स ऑल्सो। सर मेरे परिवार में मेरे परदादा पहलवान थे और मेरे नाना जी हैं जो वो कबड्डी करते थे, मामा और दंगल वगैरह खेलते थे, उसके बाद मैंने कुश्ती स्टार्ट की है 2015 में। तब मैं 13 साल की। सर मेरी पोजीशन 7-8 महीने बाद ही आ गई थी, महाकुंभ हुआ था, स्टेट तक कंपटीशन होता था, वो उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। सर मेरी मर्जी ज़्यादा थी, तब मेरे भाई ने, मतलब मैं हैंडबॉल हुआ था मेरा स्कूली गेम्स स्कूल में, तो उसमें मैं गोलची थी, तो उसमें मेरा नेशनल में सिलेक्शन हो गया था, तो पापा ने बोला अपना टीम गेम मत ले, इंडिविजुअल ले ले। तो 2015 में मेरे पापा ने छोटराम स्टेडियम में मदीप सर के पास लेके आए थे कुश्ती करने के लिए, उन्होंने पूछा कि तू कर सकती या नहीं, तो मैंने हाँ बोला और मुझे मतलब खुद खुशी थी कि मुझे कुश्ती करनी है।
सर जैसे मैंने तब स्टार्ट की तब जो सीनियर्स थी वो बताती भी थी कि कुश्ती इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा, लंबी चलेगी है लेकिन रिजल्ट आएगा तब अच्छा आएगा, तो बस यही सोच के लगी रही। सर स्टार्टिंग में तो हम साइकिल पे आते थे, मैं, मेरे भाई और मामा, उसके बाद स्कूटी पे मेरे नाना के साथ आने लगी, फिर अब मैं मम्मी के साथ आती हूँ। पहले तो बस यूँ साइकिल पे अपने मतलब आधा घंटा पहले निकलते थे घर से, पुल भी आता था, बारिश वगैरह आती रहती तब भी आ जाते थे सर साइकिल पे ही। सर साक्षी जी ने तब मेडल जीता तब तो यूँ खुशी हुई थी कि इस स्टेज तक हम भी पहुँचे, कब पहुँचेंगे ये पता नहीं था, लेकिन इतनी जल्दी पहुँच जाएँ इसकी उम्मीद भी नहीं थी, बस यूँ था कि लगे रहना है 10 साल में 12 साल में तब ये रिजल्ट आया अच्छा आएगा। लेकिन तब उनका मेडल आया तब हमारी भी उम्मीद बड़ी, लड़कियां और आने लगी घर से कि हम हमें भी गेम करना है। नहीं सर, लेकिन मेरी मम्मी को सबकी गिनती है, मेरी मम्मी को सब याद है। अभी कहाँ आप ओलंपिक के लिए जा रहे हैं? पेरिस जा रहे सर, अभी 30 जुलाई को शायद निकल जाएंगे। तैयारी बहुत अच्छी चल रही सर, तैयारी तो गोल्ड की ही चल रही सर, पर बाकी देखो भगवान जो चाहेगा वो आएगा, पर अपनी तरफ से मैं पूरा करूंगी। खिलाड़ी तैयार होने में बहुत से लोगों का योगदान होता है, घर परिवार और फाइनेंशियल दिक्कतें भी आती है परिवार को, किस तरह से मैनेज करना है? सर मेरे साथ तो मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट रहा है और मैं रिलायंस से भी स्पॉन्सर हूँ तो उनका भी पूरा सपोर्ट रहा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हुई स्टार्टिंग से। और फैमिली में मेरे मम्मी पापा भाई भाभी मामा मामी सब मतलब फुल सपोर्ट करते हैं, मेरे गाइडेंस हैं अमित हुड्डा हैं जो, वो भी मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, मतलब मुझे हर मैं हार जाऊं तो भी सपोर्ट करते हैं कि कोई नहीं तो अच्छा करेगी आगे ओलंपिक तक जाएगी, तो स्टार्टिंग से वो मुझे यही बोलते आ रहे हैं, बस इसी उम्मीद से मैं लगी रही हूँ। सर रिलायंस फाउंडेशन सर बहुत अच्छी मदद करा है, क्योंकि मैं तब लूज़ हुई थी एशियन गेम, तब मैं इंजरी में थी तभी मैं रिलायंस में स्पॉन्सर हुई थी, तो मेरी फिजियो ने मेरी बहुत केयर टेक की सर, मेरी स्ट्रेंथ बनाई कमर में, कमर में ही चोट लगी थी और जैसे और शोल्डर में इंजरी तब भी हुई या कोई ट्रीटमेंट करना आया उन्होंने बहुत हेल्प किया है, स्ट्रेंथ की मेरी जैसे स्ट्रेंथ कोच है एसएनसी और फिजियो और न्यूट्रिशन साइकोलॉजी सब ने बहुत हेल्प की सर। एक साल हो गया सर। हाँ जी फुल सपोर्ट मिला सर, मैंने जो चीज़ बोली वो मुझे मतलब किसी भी चीज़ की या कोई जिम का सामान हुआ या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई उन्होंने मुझे टाइम से दी। रेसलर्स को इंजरी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ जी सर जल्दी होती है, तभी तो मतलब कोई प्लेयर अगर बढ़ रहा है आगे तो उसके लिए फिजियो साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि इंजरी कहीं भी हो जाती है, किसी भी टाइम स्पैरिंग करते टाइम हो जाए या फिर वैसे टेक्निक करे तब भी, तो मेरे साथ फिजियो रहती है तो मेरी केयर टेक अच्छी होती है सर। थैंक यू कहना चाहूँ सर, मेरे जो मैनेजर है सुरेंद्र सर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने ही स्पोर्टिंग स्पोर्ट के लिए ये सब मुझे दे रखा है, उन्होंने कुछ लगता मुझ में तो ही दिया मुझे, और मैं चाहती हूँ मुझसे जो नीचे जूनियर हैं उनको भी ऐसे सपोर्ट मिले वो भी आगे तक जाएं। सर अब तो बस बेचारे को रेस्ट बहुत कम है, ये सोच रहे हैं कि भाई सर भी ये चाहते हैं कि भाई ये भी सिखा दें वो भी सिखा दें, जो जितने अच्छे हों उतना अच्छा है, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, अब मेहनत थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी, क्योंकि जब बिल्कुल 10-15 दिन रह जाएंगे तब थोड़ा कम कर दिया जाएगा, अभी हार्ड वर्क ज़्यादा होता है। अभी क्या शेड्यूल रहता है? सुबह 5 बजे और 9-9:30 ही बज जाते हैं, और फिर दोपहर में बस जाके फिर 4:30-5 फिर इधर आ जाती है, फिर 8-9 बजे तक फिर इधर ही। परिवार की बहुत मेहनत रही है 9 साल, अब तो बहुत कम लग रहे होंगे। अगर हम देखो और पहलवानों की वो देखें, वो इसमें पहलवानी में बोलते हैं ना जिदारी, हाँ। वो देखें तो उसके हिसाब से इसने ज्यादा जल्दी कवर कर लिया, और नहीं तो ये लगाओ कि 14-15 साल लग जाते हैं यहाँ तक आने में, इसके तो 8 ही साल अभी 9 ओलंपिक के बाद होंगे, अभी तो 8 ही हुए हैं, तो
भगवान ने मेहरबानी रही है कि उसको यहाँ तक पहुँचाया, और कोचों का भी, घर वालों का भी, सबका सपोर्ट रहा है। परिवार का कभी ये नहीं कि भाई किसी ने बाधा नहीं डाली, सभी इसके सपोर्ट में रही। हाँ, ट्रायल की सारी एक तरफा बाउट थी इसके। किरण को इसने हराया 0-10 से, और एक को बाई फोल किया, और एक का 0-3 का स्कोर था, और एक का 0-5 का स्कोर था। इस तरह 4 बाउट हुई थी इसकी, जब क्वालिफाई के लिए ना, ये क्वालिफाई करने के लिए जब ट्रायल हुई है उसमें वो अच्छा किया था, और उधर भी इसने अच्छा किया था, बस एक चाइना वाले को पॉइंट दिए थे इसने। तो क्या कहना चाहोगे आप उन पेरेंट्स को, बेटियों को पूरे मौके नहीं मिल पाते? हाँ, बेटियां सब कुछ कर सकती हैं, बहुत ज्यादा। बेटे जो ना कर सके वो बेटियां कर सकती हैं, और मैं तो ये कहूंगी। लेकिन आजकल के माँ बाप है ना, ज्यादा समझदार हैं, वो बेटियों को कहीं कम नहीं रखते। कोई एकाद होगा जिसको समझ नहीं है कि वो बेटियों को पीछे रखे ना, तो। और यही कहूंगी, बेटियों को बेटों से ज्यादा मौका देना चाहिए, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है। बेटे तो फिर भी घर पे हैं, बेटियों को तो जाना होता, तो जितना उनको हम आगे बढ़ाएंगे उतना अच्छा है। वो तो दो घरों का मान बढ़ाएंगी, बेटा तो एक ही घर का बढ़ाता है, तो बेटियों को ज्यादा मौका देना चाहिए।